हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज ओपनिंग डेट है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अभी तक आज इसका ओपन हो रहा है गाइस, कितने बजे ओपन होगी, इसमें अप्लाई करिए फिर अवॉइड करिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, लिस्टिंग कैसा मिल सकता है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या अपनाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आईपीओ अगर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि आज का ओपनिंग डेट है, देख सकते हैं यहाँ पे 30 नवंबर का डेट है ओपनिंग का और 2 दिसंबर का यहाँ पे क्लोजिंग डेट है। 3 दिन ओपन रहेगी, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 3 दिन ये ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का रखा गया है। प्राइस बैंड जो है 548 टू 577 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है। 25 शेयर्स की लॉट साइज़ है। अमाउंट यहाँ इशू साइज जो है 835 करोड़ का है यहाँ पे गए। और ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल लाया गया, फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा है, ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है, मतलब प्रोमोटर अपने स्टेक को सेल कर रही है पब्लिक ऑफर के थ्रू, पब्लिक ऑफर के थ्रू, जिसके कारण यहाँ पे जो है सो ऑफर फॉर सेल लाया गया। मेन आईपीओ है इसलिए ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड हो रही है। क्यूआई भी 50% से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, एनआई को 15% तक का ही अप्लाई करने का ऑफर दिया गया। रिटेलर्स यहाँ पे 35% तक ही ऑफर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट 7 दिसंबर का रखा गया है। 8 दिसंबर को रिफंड्स इनिशिएट किया जाएगा। 9 दिसंबर को शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 12 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया। अब अमाउंट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी वाले यहाँ पे मिनिमम 14,425 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जिसमें आपको 25 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी वाले 1,85,525 रुपीज़ का पे करना होगा, जिसमें आपको 13 लॉट सप्लाई होंगे और 325 शेयर्स आपको लॉट होंगे। और यहाँ पे अगर SHNI की बात करें, HNI का, तो यहाँ पे मिनिमम 14 लॉट्स का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 350 शेयर्स की लॉट साइज होंगे, 350 शेयर्स मिलेंगे टोटल आपको, जिसमें आपको अमाउंट 2,01,950 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और इसी कैटेगरी HNI कैटेगरी में मिनिमम 70 BHNI में मिनिमम 70 से लॉट सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,750 लॉट से शेयर्स मिलेंगे, जबकि प्राइस आपको 10,09,750 रुपीज़ के अमाउंट का पे करना होगा। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75.54% की है और अलॉटमेंट होने के बाद 65.79% की होल्डिंग्स रह जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं इस आईपीओ के ऑथर डिटेल्स की बात करें। कंपनी जो है 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से, जो कि इंजीनियरिंग सिस्टम्स और सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है सिस्टम और कंपोनेंट्स का, जो कि ऑफ हाईवे मार्केट, जो कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग में यूज़ होती है, इसका जो है यहाँ पे लीडिंग सप्लायर है कंपनी। आफ्टर मार्केट सेक्टर में अगर देखिएगा तो लगभग 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा में ये प्रेजेंस है इसकी, मतलब कि परफॉर्मेंस जो है सो कंपनी बिजनेस करती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, इसमें कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स जो कि 3.3 पॉइंट लिंक के सिस्टम्स और प्रिसीजन मशीन पार्ट्स जैसी चीज़ें यहाँ पे इसके जो है सो कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स है इसके। और यहाँ पे कंपनी इसके साथ साथ जो सो एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स, जो कि पावर टेक ऑफ फैब्रिकेंट्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और कंपोनेंट्स जैसी चीज़ों का जो सो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यूनिक पार्ट्स जो है ये एक कॉन्सेप्ट टू सप्लाई प्लेयर है, जो कि प्रिसीजन प्रोडक्ट्स ऑफ जो कि ऑफ प्ले ऑफ हाईवे व्हीकल्स में यूज़ होती है, जो कि लगभग जो है इसका वैल्यू चेन जो है लगभग बहुत ही वैल्यू चेन में जो है बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है इसके। अब अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, तो यहाँ पे 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि 2 लुधियाना पंजाब में है। और सही बात है गाइस, क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के मामले में पंजाब जो है बहुत ही बड़ी मार्केटिंग है, और इसकी वजह से जो है सो ऑफ हाईवे मार्केट में देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री में भी यूज़ होती है। इसलिए विशाखापट्टनम में भी एक है जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 2 जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में, नोएडा भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे। और इसके साथ साथ कंपनी का विदेशों में भी इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है, जो कि एलरिज लोवा में है, जो कि अराउंड 2005 में एक्वायर किया गया था ऑलसेन इंजीनियरिंग LLC से, जो कि इसको इसके नाम को बदल करके यूनिपार्ट्स ऑलसेन इंक्लूसिव कर दिया गया। और साथ में इसका ऑगस्टा जॉर्जिया में भी इसके जो है सो वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, बस यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है।
कंपनी का यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे आउटसाइड इंडिया में जो है, मतलब इंडिया से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, सप्लाई करती है। साथ में यहाँ पे ड्यूअल कोर ड्यूअल शोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इंडिया में, इसके द्वारा भी कंपनी सेल करती है। यूएस में भी जो फैसिलिटी है इसके द्वारा भी सेल करती है, लोकल डिलीवरीज के द्वारा डोमेस्टिक मार्केट्स में। कंपनी यहाँ पे इंडियन लोकेशन से भी कंपनी डायरेक्टली जो है सो ओवरसीज कस्टमर्स को जो है एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है इसके द्वारा भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, जो कि वेयर हाउस सेल भी कहा जाता है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इसके फिनांशियल्स की बात करेंगे गाइस, तो कंपनी का जो फिनांशियल्स है अगर देखा जाए तो एसेट्स जो है यहाँ पे 958 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे इंक्रीज होकर रिसेंटली 1063 करोड़ का एसेट्स देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे फिनांशियल ईयर 19 का रेवेन्यूज देखिए तो 1062 करोड़ का है, जो कि यहाँ पे कोविड पीरियड के टाइम में थोड़ी सी डाउन हुई थी 988 करोड़ का, लेकिन वापस से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नज़र आई है 947 करोड़। पोस्ट कोविड पीरियड अगर देखा जाए फिनांशियल 22 में 1231 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यूज देखने को मिला है, बहुत ही शानदार रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्री कोविड पीरियड को ये कोविड पीरियड को छोड़ दे, कोरोना काल को छोड़ दे, तो 69 करोड़ का यहाँ पे फिनांशियल 19 में प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 22 में 166 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिला, और रिसेंटली यहाँ पे जून क्वार्टर में 50 करोड़ का रेवेन्यूज देखने को ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ 421 करोड़ का था फिनांशियल 19 में, उसके बाद यहाँ इंक्रीज होकर 713 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी पे बहुत ज़्यादा था फिनांशियल 19 में 345 करोड़ का, इसलिए कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी अपने डेट्स को लगातार डाउन करती हुई नज़र आई, और अभी रिसेंटली यहाँ पे 114 करोड़ का डेट्स देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात कर ले इस आईपीओ में देखा जाए तो ये ऑफर फॉर सेल भी लाया जा रहा है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, ये जो आईपीओ है ये 10 बजे आज के दिन ओपन होगी, और ये जो वीडियो मैं इसको 8:20 में इसको अपलोड कर दूँगा, 8:30 बजे के आसपास इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा अपने यूट्यूब के चैनल पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जीएमपी और लिस्टिंग गेन का, तो गाइस इसका जो जीएमपी है यूनिपार्ट्स की जो जीएमपी है अगर देखिएगा तो 140 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है, और अराउंड आपको यहाँ पे 577 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांसेस है, 577 रुपीज़ इसका प्राइस बैंड है, और लिस्टिंग होने के चांसेस जो है 717 रुपीज़ पे और 24% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। अगर हम यूनिपार्ट्स के हम जीएमपी की बात करें हिस्ट्री में अगर देखें पहले जीएमपी अगर देखिएगा तो गाइस ये जो डेटा है 28 नवंबर का डेटा है, यहाँ पे 29 नवंबर को जीएमपी में बहुत बड़ी गिरावट आई थी 80 रुपीज़ का, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। जो अब तक मैंने जो बात किया जीएमपी पे वो 28 नवंबर का है, रिसेंटली 80 रुपये का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि 1:48 लगभग 2 बजे के आसपास कल के दिन में यहाँ पे जीएमपी अपडेट हुआ है, जो कि यहाँ पे लिस्टिंग जो होने के चांसेस 657 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांसेस, जो कि अभी लिस्टिंग जो है घट गई है, ये डिक्रीज हो गई है, जो कि 13% के आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने का सोचेगा, ये तो एक ऑफर फॉर सेल लाया गया है, अगर आप लोग अप्लाई करने का सोचेगा तो आप आखिरी के दिन में ही अप्लाई कीजिए, 2 दिसंबर को ही अप्लाई करना ही बेटर होगा। और कंपनी के बिजनेस मॉडल ही बहुत ही शानदार है, कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए तो कंपनी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस फिनांशियल्स भी कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब बात करें किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे अगर देखिएगा तो 548 to 577 रुपीज़ का, मतलब इन दोनों के बीच का प्राइस का ही में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपर प्राइस बैंड जो कि 577 रुपीज़ का है इस प्राइस बैंड पर ही आपको अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और 2 दिसंबर को अप्लाई कीजिए, जिससे आप इसके रिकॉर्ड को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन जीएमपी लिस्टिंग कैसा देखने को मिल रहा है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने परसेंट, इन सभी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए QIB NII जो होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, क्वालिफाइड हो गए या फिर इंस्टीट्यूशनल्स हो गए, इनसे ये सभी जो है सो आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, इसलिए कि ताकि इन लोग जो है सो इसके रिकॉर्ड्स को, कोई भी आईपीओ जो आती है उसके रिकॉर्ड्स को, उसके जो अब तक का जो हिस्ट्री है उसको आप ट्रैक कर सके, इसलिए जो सो ये दोनों जो QIB और NII जो होते हैं ये आखिरी के दिन में ही अप्लाई करते हैं। तो आप लोग भी आखिरी के दिन में ही अप्लाई कीजिए तो ही बेटर होगा गाइस। तो अब हम लोग जो है
वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको इस IPO से रिलेटेड, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड IPO से रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।